और ये देखिए भाई इतने बड़े बड़े बम्स ये है, 40 की स्पीड में आराम से, 40 60 की स्पीड में आराम से निकल रही है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम चला रहे हैं स्क्रैम 411 और आज इसका हम करने वाले हैं राइड रिव्यू। हर एक चीज़ बताएंगे कि कैसा इसका परफॉर्मेंस है, कैसा इसका इनिशियल है, कैसी ब्रेकिंग है और कैसे सस्पेंशन है इसके, और कैसा रोड प्रेजेंस है इसका, और कैसी इसकी राइड क्वालिटी है। हर एक चीज़ आपको इस वीडियो में बताएंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलें, क्योंकि आपका भाई जो है वो इसी तरीके के न्यू कंटेंट लेके आता रहता है। तो बेल बटन ज़रूर दबाइए ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए आपको फटाफट से वो वीडियो मिल जाए। तो अभी सबसे पहले इसको फ्यूल अप करते हैं और उसके बाद स्टार्ट करेंगे ये टेस्ट। तो अभी हमने फ्यूल अप कर लिया है और अब हम चल पड़े हैं आलमबाग की तरफ और यहाँ पे हम दिखाने वाले हैं इसकी सिटी राइड और कैसी इसकी सिटी राइड और क्या क्या है, इसकी हैंडलिंग कैसी है, कैसा इसका सस्पेंशन है, कैसी इसकी ब्रेकिंग है, ये सब यहाँ पे टेस्ट हो जाएगा बहुत ही अच्छे से। और खाली रोड मिलने पे थोड़ा इसको भगा के भी देखेंगे। और अभी तक मैंने जितना चलाया है काफ़ी सही लग रही है, बहुत ज़्यादा दूर तो नहीं चलाया। और इसके आपको जो इसका डिजिटल प्लस एनालॉग इसका जो कंसोल दिया गया है उसके बारे में आपको बताते हैं। तो इसमें आपको ये देखें, यहाँ पे आपको स्पीडोमीटर देखने को मिल जाता है और फ्यूल गेज यहाँ पे आपको डिजिटल देखने को मिलेगा और टाइम भी देखने को मिलेगा, गियर पोजीशनिंग इंडिकेटर भी है और टाइम ट्रिप ऑडोमीटर फ्यूल गेज ये सब तो मिलने ही वाला है। और मिरर्स की बात कर लें तो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है। थ्रॉटल सही है, थर्ड गियर पर हमने थ्रॉटल दिया, उसके हिसाब से काफ़ी अच्छा पुल हुआ बाइक में। और अगर आपको देखनी है इसकी टॉप स्पीड तो प्लीज़ कमेंट करिए, मैं आपके लिए ज़रूर बनाऊंगा टॉप स्पीड इस बाइक की। और अभी तक काफ़ी अच्छे से हैंडल हो रही है बाइक। बाइक में वाइब्रेशन की बात कर लेते हैं तो अभी इतना मैंने कोई थ्रॉटल दिया नहीं है इतना ज़्यादा। जो टैंक है वो पूरा लोहे का है भाई, मतलब रॉयल इनफील्ड की जो बाइक होती है वो उसमें प्योर लोहा यूज़ होता है। तो आपको कहीं से भी ऐसा कुछ फील नहीं होने वाला है कि बाइक में बिल्ड क्वालिटी में कोई भी कमी है। और ये पर्सनली मुझे कलर बहुत ज़्यादा पसंद है और जो फुटरेस्ट है वो भी बहुत अच्छे से सेट है, एकदम आराम से आप इसको बहुत ही लंबी टूर्स कर सकते हैं इस बाइक के साथ। और दूसरी चीज़ इसकी सीट जो कुशनिंग है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। और जो इसके इंडिकेटर्स हैं वो आपको हैलोजन इंडिकेटर देखने को मिल जाएंगे और ब्रेकिंग यहाँ पर चेक हो रही है। और फ्रंट ब्रेक अभी हमने अप्लाई किया और काफ़ी अच्छी बाइक प्रोवाइड हुई, क्योंकि अब जो रॉयल इनफील्ड है वो लगभग सारी बाइक्स में हमको बाइबर की ब्रेक देखने को मिलती है। तो बाइबर के ब्रेक्स आप जानते होंगे काफ़ी अच्छे होते हैं, एकदम टॉप नॉचेस ब्रेक होते हैं बाइबर के। ये देखिए बाइक काफ़ी सही है और डुअल चैनल ABS देखने को मिल जाता है इस बाइक में हमें, तो सेफ्टी पर्पज़ से भी काफ़ी सही है। फ्यूल इंजेक्टेड इसका इंजन है। और अगर आपको इसका स्पेसिफिकेशन रिव्यू चाहिए तो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, आपको आई बटन में उसका लिंक आ रहा होगा, मैं वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं। और अभी हम आ चुके हैं सिंगार नगर मेट्रो स्टेशन और अभी हमको लेना है यहां से राइट। मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा खाली मुझे ये रोड मिलने वाली है। और जो इसके लीवर्स आप देखिए ये क्रोम कलर में है, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, इसके लुक को और भी ज़्यादा इन्हेंस कर देते हैं। और ये बाइक का जो कंसोल है वो आप देखिए फुल स्वाइप जाता है, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। और इसका जो नाम है वो 411 है, स्क्रैम 411, और ये नाम बोलने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और फ्यूल टैंक आपको इसमें 15 लीटर का मिलता है जो कि काफ़ी ज़्यादा सफिशेंट फ्यूल टैंक है। और हैजार्ड स्विच भी इसमें देखने को मिलते हैं, तो आपको नाइट में भी अगर फॉगी डे है इन सब में तो ये जो हैजार्ड्स है वो बहुत ज़्यादा काम आता है, और इसी वजह से लगभग सारी बाइक्स में आजकल हैजार्ड देखने को मिलता है। और ट्रैफिक अभी खुल गया है तो फटाफट से निकलते हैं यार। तो भाई बड़ी मुश्किल से इस चौराहे से हम लोग निकल आए हैं, होपफुली कि अब आगे जाम नहीं मिले क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक रहता है लखनऊ में। और इसके सस्पेंशन की बात कर लेते हैं तो अभी तक मैंने जितना इसको चलाया काफ़ी अच्छे से ये ट्रैवल कर रही है बम्प्स में। इसके सस्पेंशन है वो ज़्यादा ना ही हार्ड है और ना ही बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, परफेक्ट सेट है इसके सस्पेंशन। और क्लच की बात कर लेते हैं तो काफ़ी लाइट है
काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट लग रहा है, मतलब हालांकि स्लीपर क्लच नहीं है ये, नॉर्मल क्लच है, बट फिर भी काफ़ी ज़्यादा लाइट है। और हॉर्न काफ़ी सही है, मैं ऑलरेडी ये सब चीज़ें बता चुका हूँ। और अभी थोड़ा थ्रॉटल देते हैं, सही है भाई, बाइक में काफ़ी सही पुल है। और जो मैंने अभी सुना, जैसे मैंने थ्रॉटल दिया, क्या गजब का बेसी साउंड आया है। अभी एक बार जरा साइड में आपको रोक के एक बार जरा बाइक का वॉक अराउंड देते हैं। मज़ा आया भाई थ्रॉटल देके, मतलब सेकेंड गियर पे हम थे और काफ़ी सही पुल आया, एग्जॉस्ट काफ़ी अच्छा लगा हुआ है। और इधर ही थोड़ा साइड में लगाते हैं बाइक को, थोड़ी सी छांव है और छांव में गाड़ी को नहीं खड़ी करेंगे क्योंकि व्यू अच्छा नहीं आएगा कैमरे में। ये देखिए भाई क्या ही गजब का इसका लुक है, और बहुत ही ज़्यादा सिमिलर है हिमालयन एडवेंचर से, क्योंकि इसका नाम ही हिमालयन स्क्रैम है, तो बहुत सारी चीज़ें इसमें मिलती हैं, लुक वाइज बहुत ज़्यादा सिमिलर है। और इतनी सारी चीज़ें मिलने की वजह से ही इसका नाम हिमालयन स्क्रैम रखा गया है। इसमें आपको एयर कूल्ड इंजन देखने को मिलता है, जो टायर साइज़ है आगे आपको 19 इंच का देखने को मिलता है, और जो पीछे का जो टायर है वो आपको 17 इंच का देखने को मिलता है। और आप टायर देखिए भाई, क्या गजब के टायर इसमें लगे हुए हैं, आपको कोई मॉडिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है इसके साथ। आप ऐसे ही इसको किसी भी टूर पे लेके जा सकते हैं, किसी भी ऑफ रोडिंग पे लेके जा सकते हैं, इतनी परफेक्ट ये बाइक है, बहुत ज़्यादा कुछ कराने की ज़रूरत नहीं। अगर आपको ज़्यादा सामान चाहिए तो आप इसमें पीछे की तरफ इंस्टॉल करा सकते हैं। और बेस बहुत ही तगड़ा है, मैं ऑलरेडी इसका साउंड सुना चुका हूँ और एक और बार आपको साउंड सुना ही देता हूँ। क्या गजब का साउंड है। और चलिए बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं बताएंगे, फटाफट से इसको चलाएंगे फिर से। ये थोड़ा सा स्टेच है, सही है भाई, एकदम मस्त ब्रेकिंग सही है। और रियर ब्रेक सही है, बट इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं आता रियर ब्रेक पे। और मैंने अभी फ्रंट ब्रेक अप्लाई करी और रियर ब्रेक भी अप्लाई करी, फ्रंट ब्रेक पे जितना कॉन्फिडेंस आ रहा है उतना ज़्यादा रियर ब्रेक पे नहीं आ रहा है। और अभी हम क्रूज़ कर रहे हैं लगभग 90-100 की स्पीड में, और कोई वाइब्रेशन नहीं है बाइक में, ना ही आपको हैंडल बार पे वाइब्रेशन मिल रहा है मुझे, ना ही फुटरेस्ट पे और ना ही इसके टैंक पे। तो भाई इंजन बहुत ज़्यादा स्मूथ है, और इसके एवरेज की बात कर लेते हैं तो आपको लगभग 25-30 का एवरेज में देखने को मिल जाएगा। 30 बहुत ज़्यादा मुश्किल है, आई थिंक 25-27 का ही एवरेज देगी। और ये बाइक हमें प्रोवाइड करी है मनीष भाई ने, मतलब बहुत ही अच्छा भाई है, बड़े भाई की तरह हमेशा ट्रीट करता है। और ये बाइक है आलमबाग श्रेया, और अगर आपको कोई भी रॉयल इनफील्ड की कोई भी बाइक चाहिए तो सारी बाइक वहाँ पे अवेलेबल मिल जाती हैं, और आपको ज़्यादा वेटिंग भी नहीं करना पड़ता है। जैसे कि कुछ बाइक्स होती हैं उनकी वेटिंग काफ़ी लंबी होती है रॉयल इनफील्ड की जो बाइक होती हैं, बट आलमबाग में इतना अच्छा ये शोरूम है कि आपको किसी भी बाइक के लिए बहुत ज़्यादा वेटिंग नहीं मिलेगी, चाहे वो किसी भी बाइक का कोई भी कलर हो, बहुत ज़्यादा वेटिंग नहीं रहती है इनके पास, काफ़ी स्टॉक रहता है और काफ़ी अच्छे रेट पे आपको ये बाइक्स मिल जाएंगी। और अगर आप आते हैं आलमबाग श्रेया में, और अगर मेरे सब्सक्राइबर हैं, अगर आप मेरी वीडियो के थ्रू वहाँ जा रहे हैं तो आपको एक अच्छा डिस्काउंट देखने को मिलेगा। और विंड यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लग रही है, उसके बाद भी बाइक बहुत ही ज़्यादा ऐसा कुछ लग नहीं रहा कि बहुत ज़्यादा मुझे दिक्कत हो रही है इसको राइड करने में, इतनी ज़्यादा भारी ये मशीन है उसकी वजह से इसको इतनी छोड़ी है, इन सब विंड से कोई बड़ी दिक्कत नहीं होती है। और हैंडलिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, और इतना ज़्यादा कंफर्ट में बैठा हुआ हूँ कि क्या ही मैं बताऊँ, मुझे लगता है मैं 250-300 किलोमीटर बहुत आराम से बिना किसी स्टॉप के जा सकता हूँ, इतना कम्फर्टेबल में बैठा हुआ हूँ। और रॉयल इनफील्ड के जो इंजन होते हैं, मुझे नहीं लगता कि उनके बारे में कुछ आपको बताने की ज़रूरत है, कितने अच्छे और कितने स्मूथ इनके इंजन होते हैं, सालों साल चलते हैं भाई। और इसकी सर्विस कॉस्ट भी बहुत ही ज़्यादा कम है, लगभग आपको फर्स्ट सर्विस जो है वो आपको आई थिंक 1500-2000 के बीच में ही हो जाएगी, और सेकेंड सर्विस भी इसी तरह बहुत ज़्यादा आपको 2000-2500 के बीच में सेकेंड सर्विस भी हो जाएगी, तो सर्विस कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा कम है। बिल्ड क्वालिटी इतनी ज़्यादा अच्छी होने की वजह से मुझे नहीं लगता कि आपको अगर छोटे मोटे डेंट्स में इतना ज़्यादा दिक्कत होने वाली है, क्योंकि भाई लोहा है, लोहा प्योर लोहा है, बहुत ही कम जगह इसमें आपको प्लास्टिक या फाइबर जैसी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी,
लगभग सारी चीज़ें इसमें आपको लोहे की देखने को मिलती हैं, या फिर वो स्टील होगा या वो लोहा होगा। बहुत जो पैसा ये लेते हैं बाइक्स का वो लगभग वर्थ है आई थिंक, क्योंकि इतनी अच्छी बिल्ड क्वालिटी और इतना अच्छा परफॉर्मेंस किया कि आप बिना किसी टेंशन के आप इतने लंबे टूर्स कर सकते हैं, वो भी इतने आसानी से। और ऑफ रोडिंग के लिए बाइक बनी है तो ऑफ रोडिंग बहुत ही अच्छी होने वाली है इसमें। अगर इस बाइक के बारे में और भी कुछ जानकारी चाहिए हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा। और इन बाइक की एक और ख़ास बात मैं बताऊँ तो इतने ज़्यादा अच्छे इनके इंजन होते हैं कि मैं अभी चल रहा हूँ 40 की स्पीड और फिफ्थ गियर है और कोई भी लैग नहीं होता भाई। और ये देखिए टॉप गियर पे है और अभी हम लोग चल रहे हैं 50 की स्पीड पे लगभग। ये देखिए भाई कोई क्लच नहीं दबाया मैंने और बिल्कुल भी एकदम हल्का हल्का एक्सलेटर ले रहा हूँ। और ये देखिए, और इतने में तो बाकी सारी बाइक्स के बहुत सारे इंजन जो होते हैं बंद हो जाते हैं, बट आपको रॉयल इनफील्ड में ऐसे तगड़े इंजन देखने को मिलते हैं कि अगर आप इसको फिफ्थ गियर में भी 40 की स्पीड में चलाओगे तो कोई दिक्कत नहीं हो रही। देखिए 40 की स्पीड में एकदम हल्का सा एक्सीलरेटर लिया फिर भी ये पुल हो रहा है वहाँ से, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। ये देखिए कितनी आराम से भाई उठ रही है और कोई भी लैग नहीं होता है, तो इससे अच्छा और क्या चाहिए भाई। ट्रैफिक हो या चाहे जैसी रोड्स हो, ये बाइक जो होती है सबके लिए एकदम परफेक्ट होती हैं। बहुत मज़ा आई मुझे बहुत ज़्यादा। थोड़ी यहाँ से रोड आई थिंक ख़राब है तो मैं इसीलिए थोड़ा इसको लंबा किया इस वीडियो को कि आपको दिखा सकूं। तो यहाँ पे थोड़ी रोड ख़राब है और स्क्रैम है, तो मैं स्क्रैम करना चाहता हूँ इस बाइक के साथ। और ऑफ रोडिंग अब हो रही है बाइक के साथ, अब आपको दिखाएंगे कि ऑफ रोडिंग कैसी होती है इस बाइक के साथ। और बहुत ज़्यादा ख़राब रोड है और उसके बाद भी कोई दिक्कत नहीं हो रही मुझे इसको हैंडल करने में। और इसके जो टायर हैं वो काफ़ी अच्छी ग्रिप प्रोवाइड कर रहे हैं। और आगे आप देखिए भाई कितनी ज़्यादा गिट्टियाँ पड़ी हुई हैं, और मैं जानबूझ के ऐसी जगह पे लेकर आया हूँ आपको कि ताकि मैं बता सकूँ कि कितना अच्छी ये बाइक है भाई। ये देखिए मैं जानबूझ के इधर लेकर आया हूँ कि इसके साथ थोड़ा स्क्रैम किया जा सके। ये देखिए भाई, मतलब बिल्कुल भी आपको ये जो झटके हैं बहुत ज़्यादा फील नहीं होने वाले, इतने अच्छे इसके सस्पेंशन करे गए हैं। और क्या धूल उड़ रही भाई, फुल टू ऑफ रोडिंग का मज़ा हो रहा है। और इतने ज़्यादा इस पर कंकड़ पत्थर और गिट्टियाँ, उसके बाद भी टायर ग्रिपिंग बिल्कुल भी आपको फील नहीं हो रही कि टायर की ग्रिपिंग बिल्कुल थोड़ी की भी कम है, इतनी गजब की पकड़ मिल रही है भाई मुझे रोड पे। ये देखिए, ये देखिए आराम से आप चल सकते हैं। और इस बाइक के ऊपर आप स्टैंड करके भी बहुत ही आसानी से चल सकते हैं जैसा कि अभी आपने देखा, और कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली यहाँ पर। और इन सारी छोटी छोटी गिट्टियों को तो ये ऐसे ही मसल देगी, मतलब कि ये छोटी नहीं है किसी और बाइक के लिए, काफ़ी बड़ी है बट इसके लिए एकदम छोटी है। तो अभी हम यहाँ पे थोड़ा सा करेंगे टेस्ट। ये देखिए भाई क्या ही, और कितनी आसानी से भाई यहाँ से निकल आई है, इतनी बड़ी बड़ी गिट्टियाँ थी। और इधर ये नहर चल रही है और बहुत ज़्यादा पानी तो नहीं है बट उसके बाद भी काफ़ी प्यारी लग रही है। और टर्निंग रेडियस देखिए भाई कितना ज़्यादा टर्निंग रेडियस है इस बाइक का, एकदम थोड़ी सी जगह पे मुड़ गई। और ये देखिए आप आराम से खड़े होके बड़े से बड़े बम्प्स के ऊपर से निकल सकते हैं। और इतने बड़े बड़े गड्ढे होने के बाद भी ये काफ़ी अच्छे से हैंडल हो रही है, हैंडल पे बिल्कुल भी वेट फील नहीं हो रहा। कि अगर आप बड़े बड़े गड्ढों पे जाते हैं उसके बाद कई गाड़ियों पे ऐसा होता है कि आपको वेट जो है वो फील होने लगता है एक्स्ट्रा, बट इस पर ऐसा कुछ नहीं है, इतनी अच्छे से हैंडल हो रही है।
फुल टू ऑफ रोडिंग भाई। और ये देखिए भाई इतने बड़े बड़े बम्प्स ये है, 40 की स्पीड में आराम से, 40-60 की स्पीड में आराम से निकल रही है। ओवरो देखिए क्रेटा कैसे हिल रही है, फोर टायर होने की वजह से उसको इतनी ज़्यादा दिक्कत हो रही है। और उसी जगह से इसको देखिए ज़रा, अभी इस वीडियो को एंड करने का टाइम आ चुका है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें, और ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो आती रहेंगी इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। और कैसी लगी इसकी परफॉर्मेंस और कैसा लगा इसका आपको राइड रिव्यू, और आई थिंक मेरे हिसाब से एकदम वर्थ है। और अगर आपको थोड़ी बहुत ऑफ रोडिंग करनी है और लंबी टूरिंग करनी है और बहुत ज़्यादा भी अगर आपको ऑफ रोडिंग करनी है तो इससे बेटर और कोई बाइक नहीं है, और वेल फॉर मनी है। और इसका सीधा कंपैरिजन होता है हमारी BMW GS से, और आपको दूसरा कंपेयर होता है ESD की स्क्रैम्बलर से। तो उन सब के हिसाब से ये काफ़ी सही बाइक है। ESD अभी नई आई है मार्केट में, हालांकि पहले आती थी बट अभी जो बाइक आई है वो नई आई है। बट रॉयल इनफील्ड आप जानते हैं बहुत ही अच्छे इंजन बनाती है। और BMW की बात कर लेते हैं तो उसका प्राइस बहुत ही ज़्यादा हाई रहता है, तो आप इसकी तरफ बिल्कुल जा सकते हैं। और नाम से ही आपको पहले ही पता जाएगा भाई, स्क्रैम 411 इतनी ज़्यादा अच्छी लगती है तो भाई बाइक कितनी अच्छी होगी। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक टाटा बाय बाय स्क्रैम।